मंगल तो तब होता है कि जब गुरुजनों की वाणियों गुरुजनों की वाणी के अनुसार और ठीक ठीक रूप से जो भगवान के तत्व के अनुसार उनकी लीला को जानना, इससे परम मंगल होता है। क्या हम यहाँ पर किसी प्रकार का मनोरंजन करने आए हैं कि अपना मंगल करने आए हैं? हमारे कितने सज्जन यहाँ पर मनोरंजन के लिए आए हैं? हाथ खड़े करेंगे। और कितने अपने मंगल के लिए आए हैं? सभी आए। अच्छा, तो फिर ये बात जान लीजिए, हमारे 7 दिन की कथा आज मैं पहले दिन ही कह देता हूँ, इसमें मनोरंजन भले ही कम होगा लेकिन इसमें आत्मरंजन अधिक होगा। मनोरंजन होता है मन को सुख देना, और आत्मरंजन है आत्मा की यह आत्मा सुप्रसिद्धति, जहाँ पर आत्मा प्रसन्न हो, जहाँ पर वास्तव में हमारा मंगल हो। ये कोई साधारण बात नहीं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है वैष्णव के बीच में, और वैष्णव उचित जैसी भागवत की कथा जिसमें गुरुजनों के जो विचार हैं उसी को ही प्रकट करने की सेवा का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। हमारा समर्थ नहीं कि हम भागवत जी की कथा को कहें, ये तो रत्न है। किनके रत्न? बोलते जो बहुत बड़े बड़े जो धनाढ्य हैं, जो बहुत बड़े धनीवान व्यक्ति हैं। कौन से धन? यहाँ पर प्रेम धन की बात कही जा रही है। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे श्रीमद् भागवत जी के वक्ता ये हैं जो भागवत जी कहने वाले। हमारे श्री गुरुदेव जो सारे जगत में जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी के विचारों को उस भागवत जी की धारा को जिन्होंने संसार के हर एक कोने में प्रतिष्ठित किया, ये हैं वास्तव में धनवान। कौन से धनवान? बोलते हैं उस प्रेम के प्रेमवान व्यक्ति जिनके भीतर में भगवान का प्रेम समाहित है। और जिस हृदय में भगवान का प्रेम हो, वह हृदय से जब हरि कथा निकलती है, जब भागवत कथा निकलती है, उसमें सबका मंगल होता है। इसलिए हम भागवत कहने के योग्य पात्र नहीं, हम तो बस उनके मुख से जो श्रवण किया बस उसको दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे एक तोता जैसे कहो वैसे का वैसे दोहरा देता है। हमारा अधिकार नहीं, भागवत बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, लेकिन तो भी हमारा परम मंगल कि हम उन भागवत जी की कथाओं को कीर्तन और श्रवण कर रहे हैं, अर्थात हम भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। जो भागवत जी की सेवा श्रवण और कीर्तन के द्वारा की जाती है, ये वास्तव भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान में और श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। कैसे एक वस्तु है? श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद कितने श्लोक हैं भागवत जी में, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, 7,000। इसलिए बोला था जानबूझ के गलत कि जोर से बोलोगे। 18,000 श्लोक और 12 स्कंद। देखो यहाँ पर सारे विद्वान हैं, सब जानते हैं क्योंकि कथा सुनते रहते हैं ना। ये फल होता है साधु संघ का। तो ये जो 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत जी के, वे एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग का प्रतीक है। पहला और दूसरा स्कंद ये भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंद ये भागवत जी की 2 जंगा हैं। 5वां स्कंद भगवान का नाभि है। 6ष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल।
सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दो भुजा, नवम स्कंद भगवान का ग्रीवा ये गर्दन, दशम स्कंद भगवान जी का मंद मंद मुस्कान युक्त मुखार मंडल, एकादश स्कंद भगवान का ललाट और द्वादश स्कंद भगवान का मस्तक। तो चरणों से लेके मस्तक तक वो प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद ये भागवत जी दोनों में कोई भेद नहीं, एक समान। इसलिए जब हम भागवत जी के निकट इनके चरणों में बैठकर जो भागवत जी की कथा को सुनते हैं या कीर्तन करते हैं, ये साक्षात भगवान की ही सेवा है और इसी के द्वारा परम मंगल की प्राप्ति है। क्योंकि भागवत जी क्या है, निगम कलतरु गलितम फलम, एक ऐसा फल है। किस कौन से वृक्ष का फल है, बोलते हैं वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष का ये परिपक फल है। साधारण फलों में तो मिठास बहुत होती है, जैसे आम को ले लीजिए, कितनी मिठास है, कभी छोड़ने का मन ही नहीं करता, मीठा ही मीठा। लेकिन तो भी उस आम में कुछ है अंश है जिसको हम फेंक देते हैं। छिलका कोई खाता है, गुठली कोई खाता है, गुठली और छिलका फेंक दिया जाता है। परंतु भागवत महापुराण ये ऐसा एक मधुर फल जिसमें रस ही रस है, इसमें कुछ फेंकने वाला कोई हे अंश है ही नहीं, संपूर्ण मधुर अति मधुर, और जिसको गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाए किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका के अनुसार नारायण रूपी डाली पर एक फल लगा और डाली से वो फल गिरा, तो ब्रह्मा रूपी डाली पर वो फल गिर गया। ब्रह्मा जी की डाली से वो फल आगे नारद जी की डाली पर गिरा, नारद जी की डाली से वो फल आगे श्री वेद व्यास जी की डाली पर गिरा, और जैसी वेद व्यास जी की डाल से वो फल गिरा, एक शुक पक्षी ने उस फल को अपनी चोंच में पकड़ लिया। फल अपने आप में ही मीठा होता है, लेकिन यदि शुक पक्षी उसमें अपना मुख लगा दे तो उसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है। भागवत जी अपने आप में ही परिपूर्ण और मधुर युक्त और मिठास युक्त फल है, लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी जैसे परमहंस इसको अपने चोंच लगा दें तो ये और अति मधुर अति मधुर हो जाता है। इसलिए सुख मुखान अमृत द्रव्य संयुतम पीवद भागवत रसमालयम मुहु रहो रसी का भूवि भावुका। बोलते भागवत श्रवण कीर्तन ये साधन भी है और ये साध्य भी है, क्योंकि भागवत जी में भक्ति को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं बतलाई गई। यहाँ पर सब जगह भक्ति भक्ति है। आदि मध्य अंतेषु, भगवान के आरंभ में, भागवत जी के आरंभ में, मध्य में और अंत में सब स्थान पर भक्ति की ही बात कही गई है, इसको छोड़कर और कोई बात नहीं कही। हर अध्याय में भक्ति की ही बात कही गई, ये भागवत जी का महात्म्य है, ये भक्ति देवी।